मनीष नाइक बोल रहा था सर, मैं अलीगढ़ से। जी बताएं। जी मैंने आपको वीडियो देखा था कल। जी कौन सी वीडियो? वो शायद नीरज भाई के साथ में है आपकी वीडियो। हाँ 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 हाँ, वो रिकॉर्डिंग जो थी जी, तो उसमें मैं एक जानकारी देना चाह रहा था। जैसे हमारे इधर ज्यादा हंगामा हो रहा है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाए, आय बनवाए, मूल निवास बनवाए, ये रियल में बनवाना ही है या कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बनवाना। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, हमें इसी के देना चाहता था। मैं दिल खाता नंबर देखा था पहले। हाँ अपने करके देख लेता। अपने गाँव में जान वो हुआ, सर्वे वगैरह हुआ, जांच वगैरह हुई या नहीं? हाँ सर्वे तो हो गया सर, 3-4 बार हो गया। जितने भी एरिया के गांव हैं आसपास के सभी में हुआ या कोई ऐसा छूटा बाकी रहा या अभी सब में हो रहा है? अभी नहीं, अभी तो चल रहा है सब गांव में, यानी हाँ सभी जितने भी समाज से भी हों, किसी भी यूपी में किसी भी जिले से हों, सभी को एक बार रिकन्फर्म कर दीजिए। जिनके भी गाँव में अभी जाँच नहीं हुई है या फॉर्म मतलब लिस्ट नहीं गई है, तो वो लिस्ट आप मंगवा के अपने पास और मेरे नंबर पे भिजवा दो या नीरज भैया के नंबर पे भिजवा दो। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही, कुछ भी इश्यू आ रहा है तो आप डायरेक्टली कॉल करिएगा। ओके सर, ओके। ठीक है ब्रदर। ठीक है सर। ओ कहाँ से हैं आप? प्रॉपर गांव क्या है आपका? मैं सर जिला अलीगढ़ से हूँ जी, जमा गांव पड़ता है मेरा। अच्छा। मैं अभी फिलहाल ससुराल में रह रहा हूँ, एक नगलापदम करके गाँव है। जी जी जी, आपने शायद वीडियो देखा होगा, ये 2-4 दिन पहले मैंने आज तक पे भी डाली थी जी। ये आज तक अपना बंजारा चैनल जो है, हाँ हाँ मैंने ग्रुप से डाला था नगलापदम के नाम से, एक वीडियो न्यूज निकलवाई थी कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, आज तक काम नहीं किया किसी प्रधान ने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैंने देखा था। हाँ तो सर मैंने ही मीडिया बुलाई थी। अच्छा, और मैंने ही करवाया। वो आप वीडियो क्लिप मुझे भेजेंगे दोबारा से? जी सर भेज दूंगा सर। हाँ हाँ, बाकी जांच वगैरह हुई फिर आगे कंटिन्यू कार हुआ? हाँ जी, जो दोबारा तुरंत यानी चेकिंग आई थी हमारे यहाँ। मेरे यहाँ तो 4 बार सर्वे आ चुकी है अभी तक, सेक्रेटरी और प्रधान 4 बार आ चुके हैं, 2 बार सेक्रेटरी भी अलग से आया है। अच्छा अच्छा, उसमें कारण क्या हुआ था कि जो प्रधान के ग्रुप से थे आदमी, उनका नाम लिया जा रहा था पहले फर्स्ट में, तो मुझे पता चला, मैं फिलहाल मैं गुजरात में था तो मुझे पता चला नहीं कि अपने इधर कोई नहीं आ रहा है, अपने इधर 4-5 मकान ऐसे हैं कि जो मकान के पात्र हैं तो इधर सर्वे नहीं आ रही है। फिर मैं यहाँ से तुरंत गया था, पहुंचा वहाँ जाके मैंने सेक्रेटरी से बात की तो वो बोला ठीक है हम सर्वे करवाएंगे। तो 2-1 दिन नहीं आए, फिर मैंने न्यूज वाले से बात करी तो न्यूज वाले आ गए थे जी। उसके बाद फिर तुरंत प्रधान को पता चल गया, मैंने जो प्रधान के ग्रुप से जुड़ा हुआ था चलाने पे सेक्रेटरी को बताई, फिर सुबह होके फिर मेरे से कन्फर्म किया उन्होंने, फिर वो आए हमारे पास जी। तो बोले उनके बताओ भाई अब कौन से मकान है, मैं आप ही देख लो। फिर उन्होंने 4-5 नाम थे हमारे अंडर में, फिर उनके नाम लिख के ले गए थे। ठीक है, आप अपने गांव का तो देख ही रहे, साथ में अपने एरिया के जितने भी गाँव आते हैं उन सब में जो भी कोई अगर नई लिस्ट पहुंची है या नई जांच हो रही तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, हेल्प करिए सबकी। ओके सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, मैं वीडियो देखता हूँ आपके। ओके 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 ओके, अच्छा लगा बात करके।